नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइन नेटवर्क। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अकबरपुर कोतवाली में एक लेखपाल ने हल्का लेखपाल अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के हल्का लेखपाल ककाडिल्ला के जो लेखपाल हैं रूपेश यादव ने एक शिकायती पत्र दिया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला जमीनी अतुलेके की रास्ते को लेकर मामला है कि रास्ता 7 फीट का है, रास्ता 10 फीट का जबरन लेना चाहते हैं, जिसके लिए मेरे ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं, गंभीर आरोप। उस पैसे के लेन देन का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जिस व्यक्ति द्वारा दबाव लिया जा रहा है, अमन व्यक्ति द्वारा, उस अमन व्यक्ति ने कैमरे पर आके ये चीज़ कहा है कि मुझसे पैसा मांगा गया है, कि 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई है, इस तरह की बात कही जा रही है। और इसी क्योंकि रूपेश यादव इससे पहले किसी मामले में जेल जा चुके थे, तो इसी पे उनको डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि हो सके डर से यह काम कर दें। और इस तरह के फ़ोन कॉल्स भी गए हैं उनके पास कुछ सोशल वर्कों ने फ़ोन किया है, जो सोशल वर्किंग का काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन इस तरह किया है कि आपने इनसे पैसा मांगा है, फिर जेल जाओगे। तो जेल भेजने का काम किसका है, कौन तय करेगा? ये लोग तय करेंगे जेल किसको भेजना है? ये अदालत का काम होता है। जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, फैसला इनके हाथों में नहीं रहता है कि ये जेल किसी को भेजेंगे। लेखपाल से जब इस पे बात हुई, रूपेश यादव ने कहा है कि हमने अकबरपुर कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है और अभी जांच चल रही है। कोतवाल से भी बात हुई है तो कोतवाल ने भी कहा अभी जांच चल रही है इस पर, कि आरोप इस तरह लगाए गए हैं 10,000 रुपये। तो उन्होंने बताया कि ये रास्ते को लेकर भी बात था कि जो 7 फीट का रास्ता था उसको 10 फीट का रास्ता मांग रहे हैं कि किसी तरह हम वहाँ से रास्ता निकलवाएं। लेखपाल ने कहा इसके लिए न्यायालय है, आप न्यायालय में जाइए, हम इस तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि लेखपाल पे अब सब दबाव डाले जा रहे हैं कि किसी भी तरह ये अपना मान जाए, क्योंकि जेल की धमकी दी जा रही है उन्हें, रूपेश यादव को। रूपेश यादव ने कहा है, कई अखबारों ने भी आज इस खबर को छापा है, क्या वो अखबार झूठे हैं? जिन अखबारों ने आज इस खबर को छापा है और प्रमुखता से उस खबर को छापा है कि लेखपाल ने शिकायती पत्र दिया है थाने पे कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सोशल वर्करों से इधर एक लेखपाल परेशान, इधर कानून व्यवस्था परेशान। जो लिखे हैं इनके खिलाफ उसको भी अनाप शनाप, इस तरह की चीज़ें हैं। लेखपाल ने कहा कि हम न्याय संगति काम करेंगे, गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे, इनका दबाव कुछ भी हो जाए और अकबरपुर कोतवाली में प्राथमिकता दर्ज हो या ना हो, इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालत से गुहार लगाएंगे कि इस तरह हमारे ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक शिकायती सोशल वर्कर ने इस तरह शिकायती पत्र दिया है कि मुझे जाति सूचक गाली से गया, तो वहीं लेखपाल का जवाब आता है। लेखपाल ने कहा कि जहां उन्हें गाली दी गई है, कुछ बोला गया है और उनसे आमना सामना हुआ है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लिया जाए, सच्चाई अपने आप। अब आप सुनिए कि हमारी उनसे बातचीत क्या हुई है, लेखपाल रूपेश यादव से। हेलो, लेखपाल रूपेश यादव से बात हो रही है? जी, हाँ, मैं गणेश मौर्य बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। ये प्रकरण चल रहा है जिसमें आपके आपने एक शिकायती पत्र दिया है और जिसमें कुछ लोगों से आपको अपनी जान को खतरा बताया है, ये क्या है पूरा प्रकरण, किस गांव से है रिलेटिव मामला? जी, ये फतेहपुर ककाडिल्ला पर मैं लेखपाल हूँ और 28 तारीख को तहसील में था, तभी मेरे नंबर पर कॉल आई थी एक अननोन नंबर से, नंबर मेरे सेव नहीं था, तो उधर से उन्होंने बताया कि रुपेश जी, हेलो, व्यक्ति से पैसा लिया है, चाहो मैनेज कर लो। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने किसी से कोई पैसा से नहीं लिया है। तो तभी उनसे कोई फोन दूसरा ले लिया और उन्होंने अपने आप को मतलब बड़ा धमकी भरे लहजे में कहा कि मैं राम तिलक बोल रहा हूँ, पहचान नहीं रहे हो? जी। मैंने कहा कि नहीं भैया, कहें मुझे पता है पैसा दूसरे विभाग के आदमी लिया है, लेकिन तुम अभी जेल से होकर के आए हो ना? मैंने कहा जी भैया, आया तू हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर कोई भी आरोप लगा देंगे सब आसानी से मान जाएंगे और खबर चला करके, हम लोग पत्रकार खबर चला करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मरने पर मजबूर हो जाओगे। अच्छा। उसके बाद तुरंत बात भैया मुझे ना वो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किए, हिंदुस्तान न्यूज प्लस 4 करके ग्रुप था। उसके बाद उसमें ये सब खबर चलाने लगे उल्टी सीधी सब।
हाँ थोड़ी देर बाद ही फिर वो लोग जिसके तरफ से चला रहे थे उसको भेजे, मेरे पास भेज दिया अमन को। वो तहसील में आकर के सब मुझे धमकी उमकी भी दिया, कागज पत्र जो हाथों ये दिया था अमन करके। कौन है? अमन ने, वो लोग यही बता रहे कि अमन नाम के व्यक्ति से पैसा लिए हो, ककरडीला का रहने वाला है। तो वो आया, उसके बाद वही कागज वगैरह सब उठा करके फाड़ने लगा, कागज रिपोर्ट कैसे लगा दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, मतलब उसकी बहुत सारे अप्लीकेशन उससे भी रिलेटेड थे, तो जी उन्हीं पर रिपोर्ट लग रही थी, दबाव बना रहा था कि अपने फेवर में रिपोर्ट लगाने के लिए, जबकि जो नियम संगत था मैं वही रिपोर्ट लगा रहा था। तो उसके बाद फिर वो कागज सागज फाड़ के मारने कहा था तुमको देख लेंगे तुम। जो प्रकरण किस मामले को लेकर था, रास्ते को? प्रकरण एक रास्ता है, उस पर दीवानी भी चल रही है, 7 फीट का रास्ता वो लोग चाह रहे हैं कि मैं उसको चौड़ा करवा दूं, 10 फीट करवा दूं, या 10 फीट या 12 फीट, जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भैया न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, मतलब आप न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें। तो वो सब कह कह कि इन्हीं सब को लेकर के फिर दबाव बनाने लगे, कह के रुपया पैसा का आरोप लगा देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी, मरने पर मजबूर हो जाओगे। आज का उत्कर्ष के द्वारा एक शिकायती पत्र अकबरपुर कोतवाली में दी गई है, जिसमें आपने जाति सूचक गालियों से उनको कहा है कि जाति सूचक और धमकी भी दी है, इस तरह के आरोप हैं। भैया मैं उत्कर्ष को जानता तक नहीं हूँ कि कौन है उत्कर्ष जी, ना ही मतलब कभी मेरे सामने आए हैं, ना ही कभी मिले मुझसे वो जी। तो ये क्या उसमें दिया गया है कि अकबरपुर कोतवाली के बाहर ही धमकी दी गई है, फिर इस तरह की चीजें हैं? जी वो तो अगर कोतवाली के बाहर दी गई, वहां पर तमाम कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी फुटेज वो सब देख लेना कि उत्कर्ष मुझसे वहां पर मिले हैं नहीं मिले हैं, वो तो देखने से स्पष्ट ही हो जाएगा। अच्छा, इस कई लोगों के द्वारा आपको धमकी दी गई है फोन पे जी 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 जी, जी तो अकबरपुर कोतवाली में आपने शिकायती पत्र दिया, इस पे क्या कार्रवाई हुई है? जांच बताया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। अच्छा, और एसडीएम साहब ने इस पे क्या कहा है? जी एसडीएम साहब ने भी अभी पंजीकृत करने के लिए जी, धन्यवाद। जी।